बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइस पार्क्स एकेडमी 699। ये जनरल रियाजी आर्ट्स ग्रुप का साहिवाल बोर्ड का पेपर है, जो साहिवाल बोर्ड ने क्लास नाम का पहले ग्रुप में ये पेपर लिया गया है। जनरल रियाजी का सवालिया पर्चा मरूज तर्ज का यह पेपर है। इसमें कुल नंबर 15 होते हैं, 20 मिनट आपको दिए जाते हैं। 20 मिनट में आपने यह मरूजी हल करके देना होता है। इसमें हिदायत हैं, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब ए बी सी और डी दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरा को मारकर या पेन से भर दीजिए। जवाबी कापी के ऊपर ये सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, जवाब दिए गए होते हैं ए बी सी और डी। हर सवाल के हिसाब से जो जवाब दुरुस्त होगा आपने उसके मुतलका दायरा को मारकर से या पेन से भर देना है। अगर आपको लगता है कि सवाल का जवाब ए दुरुस्त है आपने ए वाला दायरा भर देना है, अगर आपको लगता है बी दुरुस्त है बी वाला दायरा भर देंगे, अगर आपको लगता है सी दुरुस्त है सी वाला दायरे को भर देंगे, अगर आपको लगता है डी दुरुस्त है तो डी वाले दायरे को भर देंगे। एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मजकूरा जवाब गलत तसव्वुर होगा। अगर आप एक से ज्यादा दायरों को पुर करेंगे या काट कर पुर करेंगे तो जवाब जो होगा वो गलत तसव्वुर होगा, यानी आप एक से ज्यादा दायरों को भी पुर नहीं कर सकते और ना ही आप काट कर पुर कर सकते हैं। ज्यादा आपने एहतियात से फिलिंग करनी है, सिर्फ वही दायरा भरना है जो आपको लगता है कि इसके जवाब दुरुस्त है, क्योंकि बाद में आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। पहला सवाल है, 70% की कसरी शक्ल है 7, 7/10, 10/7 या 1/7। 70% को कसर में लिखना है, फीसद का मतलब होता है बटा 100, 70 तकसीम 100, फीसद खत्म करना है, बटा 100 लगाया जाता है, 0 0 कट जाएगा तो 7/10 आएगा। 70% की कसरी शक्ल आएगी 7/10, बी ऑप्शन दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, 1/3 की फीसद शक्ल है, 1/3 को फीसद की शक्ल में लिखना है, तो क्या 3%, 1%, 33% या 33 सही 1/3% आएगा। तो फीसद में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 ज़रब 100, ये बन जाएगा 100 तकसीम 3। 100 को अगर हम 3 पे तकसीम करें तो ये 3 3 9, 1 बचेगा 10, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, ये आएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% आएगा। दूसरे का डी ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, 1 लाख रुपए पर ज़कात की कटौती है, 1 लाख रुपए अगर किसी के पास है तो उसकी ज़कात कितनी बनेगी, 2500 रुपये, 25,000 रुपये, 2,000 रुपये या 1500 रुपये। तो ज़कात की कटौती जो है वो 2.5% के हिसाब से होती है, ये हम निकाल लेते हैं। 2.5% आपने निकालना है 10 1 लाख का, तो 25% को ख़त्म किया 100 लगा दिया, इशारिया ख़त्म किया पीछे 1 सिफर और बढ़ जाएगी, ज़रब 1 लाख आ जाएगा, तो ये 3 सिफरें 3 सिफरों से कट जाएंगी, 25 ज़रब 100, तो ये 2500 रुपये बनेगा। तो 1 लाख रुपए पे जो ज़कात बनेगी वो 2500 रुपये आएगी, ए ऑप्शन दुरुस्त है। चौथा सवाल है, एक बेटी और पोती की मौजूदगी में बाप की जायदाद में से उनका हिस्सा बिलतरतीब होगा। बेटी और पोती की मौजूदगी में जो बाप की जायदाद होगी उनका हिस्सा क्या होगा, 1/2 1/3, 1/2 1/4, 1/2 1/6, 1/2 1/8। जब बेटी और पोती की मौजूदगी में बेटी का हिस्सा 1/2 होगा, पोती का हिस्सा 1/6 होगा, सी ऑप्शन दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, नफा फीसद मालूम कीजिए अगर कीमत फरोख्त ज्यादा हो कीमत खरीद से, कीमत फरोख्त बड़ी हो कीमत खरीद से, तो नफा फीसद बराबर होता है नफा बटा कीमत खरीद के, नफा बटा कीमत खरीद ज़रब 100, नफा फीसद ज़रब कीमत खरीद बटा 100, कीमत फरोख्त ज़रब 100 तकसीम नफा फीसद जमा 100। नफा फीसद निकालने का फार्मूला होता है नफा बटा कीमत खरीद ज़रब 100, बी ऑप्शन दुरुस्त है। नफा जब भी आपने निकालना है कीमत खरीद पर निकालना है तो ये बराबर आएगा नफा तकसीम कीमत खरीद ज़रब 100। छठा सवाल है, जमा किराए की रकम पर बैंक जो रकम अदा करता है उसे कहते हैं। आप जो रकम बैंक में अदा करते हैं उस पर बैंक जो आप जमा करवाते हैं उस पर बैंक जो आपको रकम अदा करता है उसे मुनाफा कहते हैं, बोनस कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं या मार्कअप कहते हैं। तो जमा किराए की रकम पर बैंक जो रकम आपको अदा करता है उसे मुनाफा कहते हैं, ए ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां सवाल है, वो टैक्स जो तमाम काबिल टैक्स आमदनी पर लगाया जाता है वो कहलाता है। वो टैक्स जो सारी काबिल टैक्स आमदनी पर लगाया जाए उसे सेल टैक्स कहते हैं, बरह रास्त टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं या एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो वो टैक्स जो तमाम काबिल टैक्स आमदनी पर लगाया जाता है वो इनकम टैक्स कहलाता है, सी ऑप्शन दुरुस्त है।
आठवां सवाल है, दो का जदर फिर उसका जदर किसके बराबर है? दो का दो बार जदर आ रहा है तो अंदर वाला जदर खत्म करेंगे पावर 1/2 आएगी, बाहर वाला जदर खत्म करेंगे फिर भी पावर 1/2 आएगी, तो ये दो दफा पावर आ गई है। तो अगर किसी अदर की पावर दो दफा लिखी हुई हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, आपस में जरा होती हैं, तो दो की ताकत ये 1/4 हो जाएगा। दो की ताकत 1/4, डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नवा सवाल है, ए की ताकत एन में एन को कहते हैं जजर मजदूर कुवत नुमा असास। ए की ताकत एन, एन चूंकि ताकत में लिखा हुआ है तो एन यहाँ पे कुवत नुमा है, डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। ए की ताकत एन में एन को कुवत नुमा कहते हैं। दसवां सवाल है, ए एन काफी बार ये आ चुका है, ए एन बराबर है एन जमा 3 की तीसरी रकम क्या है? 3, 6, 9 या 12। तीसरी रकम बतानी है तो आप एन की जगह 3 दर्ज कर दें, पहली रकम दर्ज करने के लिए मालूम करने के लिए एन की जगह 1 दर्ज करेंगे, दूसरी रकम के लिए एन 2 दर्ज करेंगे, तीसरी रकम निकालें तो एन 3 दर्ज करेंगे, 3 जमा 3, तो तीसरी रकम इसकी 3 जमा 3 6 आ जाएगी, बी ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां सवाल है, 12, 16, 21, 27 में अगली रकम है 34, 30, 31, 32, तो अगली रकम आपने बतानी है। तो 12 में 4 जमा करें 16 आ रहा है, 16 में 5 जमा करें 21 आ रहा है, 21 में 6 जमा करें 27 आ रहा है, तो ये तरतीब के साथ ऐड हो रहा है, पहले 4 जमा हुआ फिर 5 जमा हुआ फिर 6, तो आप 27 में 7 जमा होगा, 27 और 7 34 होता है, तो ये सिलसिला दिया गया है 12, 16, 21, 27, इसमें अगली रकम 34 आएगी। 12वां सवाल है, अगर ए और बी दो गैर खाली सेट हो, ए और बी खाली सेट नहीं है बल्कि गैर खाली सेट है, तो ए यूनियन बी बराबर होगा खाली सेट के, ए तो कहते बी के, बी तो कहते ए के, बी यूनियन ए के। अगर ए और बी दो गैर खाली सेट हो तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, डी ऑप्शन दुरुस्त है। ए तो कहते बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट तो कहते बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए तो कहते बी, ए यूनियन बी, ए तो कहते बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मार्गन का कानून है कि अगर इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट हो, होल कॉम्प्लीमेंट हो और उनके सेटों के दरमियान तो कहते हो, जब उनको अलग अलग लिखेंगे तो यूनियन आएगा, और अगर होल कॉम्प्लीमेंट में सेटों के दरमियान यूनियन हो तो अलग अलग में तो कहते आएगा, यहाँ पे जो कि होल कॉम्प्लीमेंट है दरमियान में तो कहते हैं, तो अलग अलग जब लिखेंगे तो यूनियन आएगा। 14वां सवाल है, अगर वाई बराबर है 3x में एक्स बराबर है 2 रखें तो वाई बराबर होगा 2 -3 6 या -6, तो वाई बराबर है 3x है, वाई बराबर है 3x की जगह 2 दर्ज किया, 3 जरा 2 6 होता है, तो 3 जरा 2 6 आ जाएगा, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 15वां सवाल, वो कीमत जो किसी मवाद में सबसे ज्यादा मरतबा कहलाती है, कोई भी कीमत जो किसी मवाद में ज्यादा मरतबा आ रही हो, आधा कहलाती है, औसत कहलाती है, वस्तानिया कहलाती है या दरबी औसत कहलाता है, तो किसी मवाद में सबसे ज्यादा मरतबा आने वाली कीमत आधा कहलाती है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। औसत अगर आपने किसी मवाद का लेना है तमाम रकमों को जमा करें और जो तादाद है उस पर तकसीम करें तब औसत आता है। वस्तानिया किसी भी मवाद की मुतरतब शुदा मवाद जो तरतीब शुदा मवाद होता है उसकी दरमियानी कदर होती है, वो वस्तानिया होती है। दरबी औसत लेना हो तो आप तमाम रकमों को ज़रब दे दें किसी भी मवाद की और उसका जदर 1/n लें तो दरबी औसत है, जो किसी मवाद में सबसे ज्यादा मतलब रकम आ रही होती है या कदर आ रही होती है या कीमत आ रही होती है वो आधा कहलाती है, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है।